नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कंप्लीट गाइड है साइलेज डालने के लिए, क्या क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस है, क्या क्या उसमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो पहली वीडियो में हमने आपको थोड़ा प्रोसेस दिखाया था हमारा, जब साइलेज बन रहा था, लेबर उस मक्की को काट रही थी, तो वो जो लॉट था वो पूरा मक्की का हमारी लेबर ने काट दिया है। तो अब उसके आगे का जो प्रोसेस है, थोड़ी और जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जो मशीन है जिससे हम साइलेज डाल रहे थे उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। मैंने आपको बताया ही था ये वही मशीन है जिससे हम धान की पराली काटते हैं। तो ये देखिए, ये जो मशीन है ये बेल्ट सिस्टम से चलती है, आपको पूरा अंदर तक गहरे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ इस बेल्ट के ऊपर मक्के को रख दीजिए और ये अपने आप ही ये मशीन उस मक्के के चारे को अंदर खींच लेगी और यहाँ से ये जो इसका आउटलेट पॉइंट है, यहाँ से सारा मक्का आपका बाहर निकल के सीधा, बहुत दूर तक इसकी रेंज है, सीधा पिट के अंदर आपके डाल देगी। तो ये तो है इस मशीन की खासियत, जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि इस मशीन की जो स्पीड है किसी भी शाफ कटर से, चारा काटने वाली मशीन से काफ़ी तेज़ है और आपका लेबर और टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, और ये मशीन तभी कामयाब है, आपको पहले एक और चीज़ बता दें कि आप अगर खेत से मक्के को लेबर से कटवा रहे हैं और पिट के पास ला के रख रहे हैं, आजकल तो आपको पता ही है डायरेक्ट मशीनें भी आती हैं जो डायरेक्ट ही आपको खेत से काट के और वहीं पे उसके छोटे टुकड़े बना के डायरेक्ट पिट के अंदर डाल देंगी, तो आप वो वाली मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़े ट्रैक्टर्स की, जिनकी बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर होती है, वो मशीन चाहिए होंगी, वो ट्रैक्टर चाहिए होते हैं। ये वाली मशीन आपके जो नॉर्मल 30-35 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर होते हैं, महिंद्रा के, आइसर के, जिन भाइयों के पास पुराने ट्रैक्टर हैं या कम हॉर्स पावर वाले हैं, तो उस पर ये मशीन बहुत अच्छी काम करेगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका काम कर देगी, जिससे आपका टाइम और लेबर दोनों बचेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, मक्का, जिस चीज़ का हम मेन साइलेज डाल रहे हैं उसकी कौन कौन सी बीज की जो वैरायटी है वो साइलेज डालने के लिए बेस्ट होती है। जनरली हमारे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा पंजाब में, तीन कंपनी के जो बीज हैं, आपका फोराजन, एडवेंटा और पाइनियर, इन तीन कंपनियों के जो बीज हैं उनका मक्का साइलेज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा रसी सीड भी हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंपनी है आपकी फोराजन, एडवेंटा और पाइनियर, इनमें से आप किसी का भी बीज ले सकते हैं और अपने खेत में मक्का उगा सकते हैं। अमूमन तौर पे क्या होता है कि जो मक्के की फसल है वो लगभग 80 से 90 दिनों में बनके तैयार होती है। वो चीज़ आपको कैसे देखनी है, वो आपको देखनी है जो मक्की का भुट्टा होता है, छल्ली होती है, उसको छील के देखना है और जो अंदर दाना है उस दाने को देखना है कि उसके अंदर कितना येलो पार्ट है और कितना वाइट पार्ट है। जब लगभग उसके अंदर 30% से 70% का रेशियो, एक तिहाई और दो तिहाई का जो रेशियो है येलो पार्ट का और वाइट पार्ट का, जब उसके अंदर हो जाएगा तब लगभग वो जो फसल है वो कटने के लिए तैयार होती है। और ये जो टाइम आता है ये लगभग 80 से 90 दिनों के बीच में आता है। उसके बाद आप उस फसल को काट सकते हो और वो साइलेज डालने के लिए बिल्कुल वो आपकी तैयार होती है। इस वाली मशीन से आप देख सकते हो कि चारे की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी और फाइन है। ये देखिए आप, बिल्कुल यूनिफॉर्म में साइज़ बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है, आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाया है।
तो ये चीज़ इस मशीन का थोड़ा सा फ़ायदा देती है। स्पीड के साथ जो चारे का साइज़ है वो बहुत ही अच्छा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपके साइलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपको साइलेज को अच्छी तरीके से कंप्रेस करना होता है या दबाना होता है। और इसके लिए हम मदद लेते हैं किसकी, ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर के वजन से हम साइलेज को अच्छी तरह से दबाते हैं, बार बार ट्रैक्टर को उसके ऊपर चलाते हैं। ये करने का हमारा मकसद ये होता है कि जितनी भी उसके अंदर हवा है या मॉइस्चर है उसको हम निकाल दें, ताकि जो हमारा साइलेज बनेगा उसके अंदर फंगस ना लगे। आप देख सकते हो ये जो पिट है, ये नीचे से इसके अंदर कोई पॉलीथीन नहीं लगा है, सिर्फ साइड में इसकी दीवारों पर ही पॉलीथीन लगा है, लेकिन नीचे इसके कोई पॉलीथीन नहीं लगा है, क्योंकि नीचे का जो एरिया वो कच्चा रखा गया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है मक्की में वो नीचे मिट्टी के रूट से वो उसको सोख ले। तो बार बार हम इसके ऊपर इसको लेवल करेंगे, ट्रैक्टर से इसको बार बार कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके लेयर बनेगी, उसके बाद फिर से और मक्का इसके ऊपर काटेंगे। तो लेयर बाय लेयर इसको प्रेस करते चलेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा हवा है मॉइस्चर है सब ख़त्म कर देंगे, ताकि साइलेज में फंगस ना लगे और हमारा साइलेज अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बने। एक बार हमारा सारा जितना भी मक्की है चारा है कट जाएगा, फिर उसको टोटल प्रेस करके कंप्लीट पॉलीथीन से कवर कर देंगे ऊपर से भी, ताकि उसमें कहीं से भी हवा ना जाए या बारिश का पानी ना जाए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके मक्की का चारा है, ये आपकी जो गड्ढा है उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, उससे ऊपर होनी चाहिए आपकी मक्की, ताकि इसमें बारिश का पानी ना घुसे। पानी और हवा ये दोनों साइलेज के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो आपकी साइलेज की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। उसके बाद साइलेज तैयार होगा। 40 से 45 दिन तक आपको इस पिट को कंप्लीट बंद रखना है, ताकि इसके अंदर प्रॉपर रिएक्शन हो और साइलेज अच्छे से तैयार हो। 40 से 45 दिन पूरा होने के बाद ही आपको साइलेज पिट को खोलना है, और उसके बाद ही वो चारा आपके पशुओं को खिलाने के लिए तैयार होगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। वैसे काफ़ी फार्मर हमारे हैं जो बहुत सालों से साइलेज डाल ही रहे हैं, तो उनसे भी मैं उम्मीद करूँगा। अगर और कोई पॉइंट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, कि और भाई जो नए हैं साइलेज डाल रहे हैं उनकी भी मदद हो सके। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।